हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल मैंने आप लोगों से पूछा था ना हेयरफॉल के बारे में, और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे प्याज का रस सजेस्ट किया था। फिर मैंने इंटरनेट पे देखा, वहाँ पे सच में उससे रिलेटेड कई रेमेडीज थी, तो मैंने आज वही लगाया है। ऑयल में मिक्स करके प्याज का रस लगाया है, और ये साइंटिफिकली भी मतलब वहाँ पे पॉइंट बता रखे थे कि ये सच में बालों के लिए और आपकी स्कैल्प के लिए और आपके बालों के जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और शायद इससे ना बाल वापस काले भी होते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, तो वापस से बाल काले होना, मतलब वापस से तो क्या काले होंगे, लेकिन और ग्रे नहीं होते हैं बाल आपके जो, लेकिन हाँ चलिए मैंने ट्राई किया है, अभी देखते हैं इसका असर क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ दिन ट्रायल के बाद ही पता लग पाएगा कि ये सच में रेमेडी कितना वर्क करती है। हालांकि दावे बहुत हैं इस बारे में, और आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट किया, तो मैंने कहा ये आज मैं ट्राई करती हूँ। मैंने पहले इसको सर्च किया, और फिर जब मैंने देखा कि इसके बारे में बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं, तो फिर मैंने इसको ट्राई करने का सोचा। और थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, आप लोगों का जो रिस्पांस मिला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इसी तरह से हम लोग की फैमिली की तरह, यू नो वॉट, आजकल मैं थोड़ा सा व्लॉग भी बनाने लगी हूँ बीच बीच में, आप लोग सोचते होंगे बाय, बट वो इसीलिए कि हम लोग थोड़ा सा बातें शेयर कर सकें, क्योंकि इतना आगे आने के बाद सफ़र में, इतना आगे आने के बाद हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए ना, हम एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानें, तो इसीलिए बस मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा बनाना स्टार्ट किया व्लॉग, और अच्छा लगता है। चलिए देखिए मेरा, देखते हैं कैसा। पता है बचपन में मेरे बाल बहुत घने हुआ करते थे, बहुत घने, इतने कि मैं परेशान होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे बालों का केयर करती थी, वही बांधते बूनते थे, बहुत कुछ लगाती थी मम्मी तो बहुत कुछ, और अभी भी वो देखते हैं तो बीच में मैंने पहले कलर वगैरह करवाया था तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने खुद से बर्बाद किए अपने बाल, और बात सही भी है। तो मैंने आप लोगों के कहने के अनुसार ये ट्राई किया, और देखते हैं इसका क्या होता है। और चलिए, जब मैं बनाई